2014 में धरना हुआ, पीटीवी पर हमला हुआ, उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें एमक्यूएम से मदद लेने की बात की गई थी। वही एमक्यूएम जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन थे और 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम पर लगाया था, तीन तलवार पर धरना दिया था। अल्ताफ हुसैन ने उस पर तहरीक इंसाफ को धमकियाँ दी थी और उस पर तहरीक इंसाफ को जो धमकियाँ दी गई तहरीक इंसाफ ने लंदन में शिकायत की थी, मगर एक साल बाद नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर उसी एमक्यूएम से मदद मांगी गई। जी भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई है। अच्छा, ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो ज्वाइंट सेशन पे है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30 बजे तक फोन आया नहीं, मगर तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील ट्राई कर लें, क्योंकि आज भी आपका आज ट्राई कर रहे हैं। यू हैव टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टुडे फॉर अ रिजल्ट टुमारो। यस, तो बात है, देयर ऑन, ठीक है, करता हूँ। बाद में जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर बन गए तो वसीम बदामी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात नशर नहीं की गई, उनसे पीटीवी हमले के हवाले से सवाल किया गया। सारे के सारे मामला अब सामने आ रहे हैं। अली जैदी साहब को हमने बार बार दावत दी, वो तो नहीं